हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। बाय टाइटल आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो कुर्ता हॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और एक एक कुर्ता मैंने ना पता नहीं कितना टाइम लगा के सिलेक्ट किया हुआ है। सो सबसे पहले बात करते हैं मिस डार्क पिंक कलर के कुर्ते की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग हो रखी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फुल देखिए आप, बहुत ही अच्छे से वर्क हुआ है। स्क्रीन पे मैं पूरा लुक लगाई हुई साइड में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कुर्ता इतना ज़्यादा अच्छा है, वो भी इतने कम प्राइस में। बाय द वे, जितने भी कुर्ते मैंने दिखाए हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लिंक के थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ आपको दुपट्टा नहीं मिलता, इसमें और सारे कलर ऑप्शन है। जब मैं मंगा रही थी तो डर रही थी कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कुर्ता आएगा कि नहीं आएगा, फिर मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ना मैंने पार्सल ओपन करने से पहले कैमरा ओपन कर लिया कि अगर मुझे कुछ गलत प्रोडक्ट मिलता है तो मैं उसको जो है रिव्यू में डाल सकूं। तो सारी वीडियो मेरे आपको प्रियादीप इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मैं खोल रही हूँ सब कुछ। क्योंकि जब हम कम प्राइस लगाते हैं तो हमें डर रहता है, वो भी मीशो से। मीशो इतना फ्रॉड करता है कि डर लगने और अभी तो पता है फ्रॉड तो करता ही करता है, साथ ही साथ ना जब आप रिटर्न डाल दो कि हमें गलत प्रोडक्ट आया हुआ है तो वो मानता ही नहीं, बोलता है कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे आके पड़े हुए हैं, तो इसीलिए अब मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ कि अब सारा सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि अगर मुझे गलत मिल रहा है तो मैं आपको दिखा सकूँ, मतलब वहाँ पर डाल सकूँ कि भाई गलत आया हुआ है, तो मैं कहाँ से आपको कोई प्रोडक्ट दूँ। तो इसीलिए जब मैंने इसे ओपन किया तो मैंने सोचा यार इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ आई हुई है, तो आप लोगों को दिखाई जाए। सो फर्स्ट कुर्ता हमारा ये है। हम बढ़ते हैं सेकेंड कुर्ता की तरफ, जिसको लोग नायरा कट या फिर आलिया कुछ और करके बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डार्क रेड कलर में है एंड कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, पूरे सूट पे डिज़ाइन बनी हुई है और बाजू पे आपको लेस लगा मिल जाएगा। यहाँ फ्रंट में बहुत ही अच्छा वर्क हो रखा है, तो एक कुर्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं बट मैंने रेड ही मंगाया, जस्ट बिकॉज मुझे रेड, येलो, पिंक ये सारे कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, ये जो पिंक वाला है इसके साथ दुपट्टा नहीं आया हुआ है, आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया। और ये रहा इसका बॉटम वेयर, कॉटन का फैब्रिक है। कलर आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये जो रेड है ना, आपके चेहरे को पूरी अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपके चेहरे पे खिल के आता है। यहाँ स्क्रीन पे मैं लुक लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो सच में है। दुपट्टा इसका कुछ इस तरीके का है। तो अब चलो साइड में लुक देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ओपन कर करके दिखाती रहूँगी ना तो साइड वाला लुक कट जाएगा, इसीलिए मैं साइड में इतना स्पेस छोड़ दी हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इधर स्पेस कम होता है, इधर आप ज़्यादा कर देते हो, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे यहाँ पर लुक लगाना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पेस ज़्यादा करती हूँ। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुर्ता की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर आपको ऐसे नेक पे डिज़ाइन मिल जाएगी, बाजू पे लेस लगा मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कुर्ता। प्राइस के अकॉर्डिंग फिनिशिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी हो रखी है। मीशो से जब भी मैं कुर्ता मंगाती हूँ तो एक चीज़ मुझे देखने को मिलता है कि फिनिशिंग इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई होती है, बट इस कुर्ता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होके आई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम वेयर, तो कुछ इस तरीके से बॉटम वेयर है और दुपट्टा ऐसे है। इसको बोलते हैं कौन सा फैब्रिक, शिफॉन। हाँ, शिफॉन फैब्रिक में आपको दुपट्टा मिलता है, बाकी कॉटन एंड सिल्क मिक्स सूट मिलता है। सो ये काफ़ी खूबसूरत है, स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो, मैं पहन के दिखा रही हूँ। और किस तरीके के वीडियोस देखने हैं कमेंट बॉक्स में भी बताना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोग के साथ और शेयर किया है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल, उसमें मैंने आई थिंक 5 कुर्ताज ऐड किए हुए हैं, इसमें कितने हैं मुझे याद नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और ये एक ऐसा कुर्ता है ना जो कि हर किसी के पास होना ही चाहिए। इस टाइम में कुर्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सो ये है कॉलर वाला पठानी कुर्ता, और इन दिनों ये कुर्ता बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, आप अधिकांश इन्फ्लुएंसर को देखते ही होंगे। इसमें कलर सिर्फ यही एक ही है, ऑफ वाइट, बाकी मेरी जो साइज़ है M है, तो ये कुछ इस तरीके से कुर्ता है। और इसका मैं आपको बॉटम वेयर दिखाती हूँ। बॉटम वेयर इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ऐसे लगाए हुए हैं। अब स्क्रीन पे मैं लुक लगा दे रही हूँ। सो
आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ स्टाइल करके नहीं दिखा रही हूँ, अगर आपको स्टाइल मैं कैसे करती हूँ इन सारे कुर्ताज को देखना है तो आप इस चैनल के शॉर्ट्स पे जाइएगा, मे भी मैं शेयर कर दूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको स्टाइल कर करके दिखाती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर मैं वीडियो डाल रही हूँ, यूट्यूब पर भी डाल दूँ, बट डाउनलोड ही नहीं कर पाती हूँ, इंस्टाग्राम पर कर देती हूँ, यूट्यूब पर भूल जाती हूँ। सो यही है, आपको किस तरीके के वीडियोज़ देखने हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। और मेकअप आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे हो दी प्लीज़ ईद मेकअप लुक शेयर कीजिए, सो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आप लोग के साथ ईद मेकअप लुक शेयर करूँ। बिट्टी मेरी बिट्टियाँ रानी जग रही हैं और खेल रही हैं, सो इसीलिए आपको बैकग्राउंड में बीच बीच में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और क्या पता नहीं, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, कॉमेंट नहीं करते हो, बट आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बट क्या पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। बिटिया मेरी अगर एक भी बार बोल देती है ना तो मेरा माइंड इधर उधर हो जाता है। सो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। किस तरीके के वीडियोस देखने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन सारी कुर्ताज का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में मेंशन मिल जाएगा, तो उसके थ्रू जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाय द वे कोई पेड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से मंगाया हुआ है ये वीडियो में, मैंने आज नहीं बोला था तो बोल दे रही हूँ। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।